अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगा तो, या फिर अगर वो मना करने लगा तो, या फिर अगर वो कुछ कहने लगा तो, या फिर अगर बारिश होने लगी तो। चलिए गाइस, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस स्टार्ट्स प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए गाइस, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगा तो, व्हाट इफ आई स्टार्ट डूइंग लाइक यू। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगर वो मना करने लगा तो, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स डिनाइंग। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगर वो कुछ कहने लगा तो, व्हाट इफ ही स्टार्ट्स सेइंग समथिंग। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगर बारिश होने लगी तो, व्हाट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगर वह रोने लगी तो, व्हाट इफ सी स्टार्ट्स क्राइंग। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगर मम्मी पूछने लगी तो, व्हाट इफ मदर स्टार्ट्स आस्किंग। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगर अध्यापक मारने लगे तो, व्हाट इफ टीचर स्टार्ट्स बीटिंग। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगर बच्चा रोने लगा तो, व्हाट इफ चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगर ट्रेन जाने लगी तो, व्हाट इफ ट्रेन स्टार्ट्स गोइंग। चलिए गाइस, इस टाइप के और भी सेंटेंस देख लेते हैं। चूना मत लगाओ मुझे, डोंट बटर मी अप। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। चूना क्यों लगा रहे हो, व्हाई आर यू बटरिंग अप। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वो मुझे चूना लगा रहा था, ही वॉज बटरिंग मी अप। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मैं किसी को चूना नहीं लगाता, आई डोंट बटरिंग अप एनी वन। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तुम चूना लगाने में माहिर हो, यू आर स्मार्ट एट बटरिंग अप। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हमें उसे चूना लगाना पड़ेगा तभी वो हाँ बोलेगा। वी विल हैव टू बटर हिम अप देन ओनली ही विल से यस। चलिए, आई होप गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनोद सिंह, वेलकम टू माय चैनल विनोद स्टडी सेंटर। अगर वीडियोस को सीखने को मिला तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम रोज मिल सकें।